नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। कल से ही पटना के राजीव नगर में प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें आपको कि बुलडोजर से कई एक मकान को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो अब स्थानीय बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि कल जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो उस वक्त संजीव चौरसिया हैदराबाद में थे, और हैदराबाद से ही संजीव चौरसिया ने बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो बेहद गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की बात करें तो आज की ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा है बीजेपी के स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया को। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, सबसे पहले आप ये देखिए। ऐसे नहीं टूटेगा, नहीं रुकेगा। नीतीश के गोरखपुर धरवा है, ठीक पप्पू यादव बोल दीजिए। बड़ा घटना होगा तभी सरकार जरूरी है, ऐसे नहीं टूटेगा। नहीं रुकेगा, नीतीश के गोरखपुर धरवा है, ठीक पप्पू यादव बोल दीजिए। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 40 एकड़ में बने अवैध तरीके से मकान को तोड़ दिया गया है। हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है, लोगों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच प्रशासन की जो सख्ती है वो दिखाई दे रही है, हल्का बल का प्रयोग भी किया जा रहा है, और यही वजह है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी लगातार राजीव नगर और नेपाली नगर में बने हुए हैं। लेकिन इस बीच आज जैसे ही बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया वहां पहुंचे, लोगों के विरोध का, लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा संजीव चौरसिया को, और लोगों ने विधायक जी को ही घेर लिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त निकल कर सामने आई है। ऐसे में आगे भी राजीव नगर से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, किस तरह से वहां पे प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, या आगे सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष का क्या कुछ कहना होता है, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।